और स्टेट का ऑब्जेक्टिव होता है स्ट्रेंथनिंग करना। कैसे करना है? हमारा जो गाय वाला है ना, ये गाय वाले में उधर में पूरा रेट लगा रहता है कि कौन सा गाय कितना दूध दिया है, पार्टी रेट कार्ड हम लोगों को डिस्प्ले होता है। नहीं दिया तो उसमें जाके तो आप देख लो उसमें रजिस्टर में, उसमें कोई नहीं, क्योंकि उसमें उसमें 3.5% फैट आता है जो हमारा ब्रीडर जर्सी और हरिस्टन में, और उसके हिसाब से काउंट कर सकते हैं कि वो पतला होता है कि मोटा होता है। कॉमनली एवरेज कोई भी गाय हो 3.5 थोड़ी ही फैट जाता है, अगर भैंस है तो 5.5 तक जाएगा। समझ गए बात को? आपके देखो कि वो रेट चार्ट में पार्ट डे, ठीक है, एवरी डे, आज भी शाम सुबह जो आएगा शाम को जो आएगा वो एंट्री होता है कितना 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 गाय दिया है। लेकिन एक चीज हम बता रहे हैं, वही वो जो बताया ना यही है, आप दामी चीज लोगे तो दामी चीजों से दामी आउटपुट मिलने के लिए खुद का जेब भी काटना पड़ेगा। ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखो, कभी आईसीआर को मत बोलो कि ये नहीं दे रहा है आप बोले थे। हम सोरेंग में गए थे, एक फार्मर का सेम हुआ है, ऐसा नहीं बोला मैंने, नहीं सोरेंग में भी सेम फार्मर ऐसा है, वो बोल के इतना दे रहा है वो दे रहा है। जब पूछा भाई क्या खिला रहे हो, बोल रहा है वो जो लोकल को दे रहा है वही दे रहे हैं। तो आपको उसी लिए तो हम जब देंगे ना किसी को, हम ऐसे सबको नहीं देंगे ये गाय, ये भी सोच लो, ये भी समझ लेने का चीज है। हम पहले देखेंगे किसका कैपेसिटी है उस गाय को खिलाने का, वो देखने के बाद ही हम कमिट करेंगे कि भाई इसको दे दो, पहले नहीं कि जो भी मांगे सब दे दो, ठीक है। सिर्फ मक्का और घास देने से ना वो दूध नहीं देगा, वो नहीं देगा, क्योंकि दूध निकालने के लिए ना एक फीड कंपोजिशन होता है जिसे जो डेयरी फार्मर है उसको स्पीड को मेंटेन करना पड़ता है प्रोडक्शन लेने के लिए। इफ अगर हम फील्ड में न्यूट्रिएंट नहीं डालेंगे तो हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा, बात समझ गए? अगर जैसे लगाते हैं ना वो अगर ठीक तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं देते फील्ड में, उनका आफ्टर 5 ईयर्स एक बोरा धान ये भी नहीं आएगा, ठीक है, मिलेट नहीं आएगा, तो उनको पता है। आप तो बताई नहीं था, आलू हम तो फर्स्ट आया है, वही बताने के लिए हम, वही बताने के लिए आया है, बात वही हो, ठीक है ना। हमको भी आइडिया दे दे, मगर आइने आइने सुनना, अरे वहाँ सर वाले बंद सुन दो, ये है पॉइंट। अभी हम लोग सब फार्मर्स फील्ड में जितना जितना जाएंगे देखेंगे धीरे धीरे, एक दिन में हम पूरा कवर नहीं कर सकते, धीरे धीरे हम लोग चाहेंगे। अगर आप सच्चे हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हो तो हम लोग यहाँ पर 4-5 साल काम करने का मन लेके आए हैं। बट एक चीज पकड़ के रखो, हम लोग सामान दे के सिलेक्ट करके जाएंगे, बट सामान का देखभाल करने का जिम्मेदारी रेगुलर मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखो। ये मत करो कि आईसीआर का ले लिया मैं शक्तिमान बन गया, ठीक है, आपका नॉर्मली मैं क्लियर कर देता हूँ शुरू में, आइए फर्स्ट मीटिंग है ना, शुरू में क्लियर कर देता हूँ। अगर मैडम जी बोलेंगे कि ये काम नहीं कर रहा है तो उसको तो आप मैडम जी को ही इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, ठीक है। हम एक साल देखने के लिए आएगा, प्रॉब्लम हम सब देखेंगे, बट मैडम जी का जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ही लीड लेगा देखभाल करने के लिए। हम लोग